अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 5 साइंस के साथ सर यूनस। आज का हमारा टॉपिक है गैसेस। क्या लॉज है? नॉट गैसेस, दिस इज गैसेस, GASES, गैसेस। ठीक है, अच्छा जी। अब इसमें वो क्या कहता है? वो कहता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसकी बात कर रहे हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस। कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना पार्टिकल्स, गैसेस के पार्टिकल्स के दरमियान, अ वेरी स्मॉल, बहुत कम होती है। द डिस्टेंसेज बिटवीन द गैस पार्टिकल, जो फासला होता है गैस पार्टिकल्स के दरमियान, आर मच ग्रेटर, वो बहुत ज़्यादा होता है देन दोज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड एंड लिक्विड से देखो ना, मेरे पास एक, अगर मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूँ, मेरे पास एक परफ्यूम है और मैं परफ्यूम लेकर आता हूँ, वो उसमें क्या होती है? उसमें गैस ही तो होती है। मैं एक पुश लगाता हूँ परफ्यूम का, एक मैं उसको पुश दबाता हूँ तो एक जो है ना उसकी नूडल से, उसकी जो मुँह से, वो जो है ना जो वो गैस निकलती है वो पूरे कमरे में फैल जाती है। ऐसे है ना, तो क्या हुआ, पार्टिकल रैंडमली बेतरतीब मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। गैस पार्टिकल बता रहे आगे, मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, के हर डायरेक्शन के अंदर जो गैस पार्टिकल्स होते हैं ना वो फ्रीली मूव करते हैं। दे ऑक्यूपाई ऑल अवेलेबल स्पेस, ये जगह पूरी घेर लेते हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं। दे कॉन्स्टेंटली कोलाइड विद ईच अदर, ये अपने आप से भी टकराते हैं। कोलाइड का मतलब होता है टकराना, कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है मुस्तकिल तौर पर। एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, और कंटेनर के वॉल्स के साथ भी वो टकराते हैं। इन दिस वे, इस तरीकेकार के अंदर दे एग्जर्ट प्रेशर, वो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। गैसेज हैव नो फिक्स शेप, उनके कोई फिक्स शेप नहीं होती, एंड नो फिक्स वॉल्यूम, और ना उनका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। याद रखिएगा, सॉलिड की फिक्स शेप भी होती है, फिक्स वॉल्यूम भी होता है, लिक्विड की फिक्स्ड जो है ना वॉल्यूम होता है, फिक्स शेप नहीं होती। और गैसेस का ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है ना फिक्स शेप होती है। देखें, ये अरेंजमेंट है पार्टिकल इन सॉलिड, ये डायग्राम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस डायग्राम को आपने बनाना भी है होमवर्क के अंदर। ये देखें, ये सॉलिड के पार्टिकल हैं, देखो बिल्कुल आपस में, देखो कोई स्पेस नज़र आ रही है, आपस में पूरे मिले हुए हैं। ये हैं लिक्विड के पार्टिकल, देखो स्पेस है, ये देखो ये स्पेस है, ये स्पेस नज़र आ रही है ना। और जबकि आप गैसेस के पार्टिकल देखें तो कितनी स्पेस है ना दरमियान में। तो ये था फर्क बिटवीन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी भला, हम थोड़ी एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है मतलब दिलचस्प मालूम। द ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिसम है, इज़ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। जैसे हमारी बॉडी है, आवर बॉडी हैव सॉलिड, हमारी बॉडी सॉलिड भी है, जैसे स्किन मसल एंड बोन सॉलिड है, लिक्विड भी हमारी बॉडी के अंदर है, ब्लड भी है, स्लेवा भी है। स्लेवा कहते हैं आई थिंक जो हम जो हमारी बॉडी के अंदर जो लिक्विड से बना होता है, थूक की तरह होता है, उसे स्लेवा कहा जाता है। गैसेस भी हैं, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है इन द लंग्स। तो इट्स मीन दैट हमारी बॉडी जो है वो कंप्लीट एक स्टेट ऑफ मैटर की हालत के अंदर वो मौजूद होती है। तो ये हमारा जो था ना, जो आप आज का जो आपका होमवर्क होगा वो बेसिकली इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होगा। और जो सेकेंड क्वेश्चन, वही दोबारा राइट कर देता हूँ यहाँ पर, आप यहाँ राइट कर सकते हो कि राइट दी अरेंजमेंट ऑफ राइट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ, ठीक है, राइट द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैसेस, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क होगा, और इसके बाद आपने अच्छा उसके बाद नहीं, एक्टिविटी 4.2, ये भी अगर आपसे हो सके तो आपने करनी है, खुद करनी है। मैं आप समझा दूँ तो फिर फ़ायदा किस चीज़ का, जब आप खुद करना चाहते हो तो ये भी आपने अच्छे से करना है। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में याद रखिएगा, हमारी पूरी बॉडी जो है ना वो तीनों स्टेट को फॉलो करती है, सॉलिड को फॉलो करती है, लिक्विड को फॉलो करती है, और गैस स्टेट को भी फॉलो करती है। आई होप आपको लेक्चर क्लियरली समझ आ गया। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।